जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नेक अली उर्फ नजाकत और समीम उर्फ बबलू निवासी गण कस्बा पाली मोहल्ला शेख सराय के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। साथ ही अपराधियों को चेतावनी दी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस ने नेक अली उर्फ नजाकत की बुलेट और समीम उर्फ बबलू की अपाचे बाइक को कुर्क किया। थानाध्यक्ष सुनील ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध लूट, हत्या, गौकसी, मारपीट और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/A के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान पचदेवरा थाना अध्यक्ष अनिल सिंह, उप निरीक्षक बी एन शुक्ला, उप निरीक्षक अनिल यादव, उप निरीक्षक राम बचन भारती, कांस्टेबल गौरव बिचेन, अमित जयपाल, अंकुर आदि लोग मौजूद रहे। सुनिए, गैंगस्टर अभियुक्त नेक अली उर्फ निजाकत द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति बुलेट मोटरसाइकिल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हरदोई के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा रही है। सुनिए, गैंगस्टर अभियुक्त नेक अली उर्फ निजाकत द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति बुलेट मोटरसाइकिल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हरदोई के आदेश के क्रम में कुर्क की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों नेक अली पुत्र हबीब और बबलू पुत्र रहमत, जो कि कस्बा पाली के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध 2020 में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना SO पचदेवरा द्वारा की जा रही थी, जिसमें DM महोदय के आदेश से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनकी संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक बुलेट है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए है, जिनको स्कोर किया गया।